संसार री रचना इस तरीके ले सृष्टि रे शुरू मंज परमेश्वर सब चीजा बनाई तिने छे दयाड़े संसार होर संसार री हरेक चीजा बनाई। परमेश्वर रे जरिए संसार रे रचना ले बाद से धरती न्यारी होर खाली थी, क्योंकि अले तक परमेश्वर धरती मंज कोई भी चीज नहीं बनाई थी, पर परमेश्वर रा आत्मा पानी प्रले घुमा था। फेरी परमेश्वर बोलिया प्रयासा हो, और प्रयासा हुई गया। परमेश्वर देखा कि प्रयासा तक खरा, और तिने तिस प्रयासे जो ध्याड़ा बोलिया, और तिने से प्रयासा न्यारे ले लग कित्या, तिस जो तिने रात बोलिया। परमेश्वर संसार बनाने रे पहले ध्याड़े प्रयासा बनाया। संसार री रचना करने रे दूजे ध्याड़े परमेश्वर बोलिया पानी रे ऊपर एक दूरी हो, और एक दूरी हुई गई। परमेश्वर तिस दूरी जो स्वर्ग बोलिया। त्रीजे ध्याड़े परमेश्वर बोलिया पानी एक जगह पर इकट्ठा हुई जाए, और सुकी धरती सुझे। तिने सुकी जमीना जो धरती बोलिया, और पानी जो समुद्र बोलिया। परमेश्वर देखे कि जो तिने बनाया था से खरा था। फेरी परमेश्वर बोलिया धरती मंज सब किस्मा रे डाल होर बूटे जमे, और एड़ा ही होया। परमेश्वर जो कुछ बनाया था से खरा था। संसार री रचना करने रे चौथे ध्याड़े मंज परमेश्वर बोलिया सरगा मंज जोत हो, और सूरज चांद होर तारे प्रकट हुए। परमेश्वर तिना जो धरती पर प्रयासे देने रे कठे होर ध्याड़े होर रात मौसम होर साला मंज फरक करने रे कठे बनाया। पांचवें ध्याड़े परमेश्वर बोलिया जीवंदे जीव जंतु पानी कने भरी जाए, होर सरगा मंज चिड़ू पंखेरू उड़े। इस तरीके ले तिने पानी मंज तैरने वाले सब जंतु होर चिड़ू पंखेरू बनाए। परमेश्वर देखा कि ये खरा था, और तिने तिना जो आशीर्वाद दित्या। संसार रे रचना रे छठवें ध्याड़े मंज परमेश्वर बोलिया जमीना पर रहने वाले सब किस्मा रे जानवर हो, और परमेश्वर रे बोलने रे मुताबिक एड़ा ही हुई गया। कुछ जानवर पालतू थे, कुछ जमीना पर रेंगने वाले, और कुछ जंगली जानवर थे, और परमेश्वर देखा कि ये खरा था। फेरी परमेश्वर बोलिया आवा आसे मानु जो अपने रूपा मंज होर अपनी बराबरी मंज बनाइए, तिना धरती पर होर धरती रे सब जानवरा पर राज करना। इदी कठे परमेश्वर माटा लई कने तेता ले मानु बनाया, होर तिस मंज जिंदगी रा सा पाई दित्या। इस मानु रा नाव आदम था। परमेश्वर आदमा रे रहने रे कठे एक बड़ा बगीचा बनाया, और तिने तिस बगीचे री देखभाल करने रे कठे आदम तेथी रखे दित्या। तिस बगीचे रे बिचा मंज परमेश्वर दो खास डाल लगाए, जिंदगी रा डाल और खरे होर बुरे रे ज्ञाना रा डाल। परमेश्वर आदमा कने बोलिया कि से तिस बगीचे रे जिंदगी रे डाला और खरे और बुरे रे ज्ञाना रे डाला जो छाड़ी कने दूजे किसी डाला रे फल खाई सकाए। अगर से तिस डाला रा फल खांगा ता तिस मरी जाना। फेरी परमेश्वर बोलिया मर्दा रा कल्ले रहना खरा नहीं आ, पर कोई भी जानवर आदमा रा साथी नहीं बनी सकया। इदी कठे परमेश्वर आदमा जो डुगी निंद्रा मंज पाई दित्या। फेरी परमेश्वर आदमा री एक पसली लई कने तेसले एक जनाने बनाई, और तेसा जो आदमा वाले लई गया। तेबे आदमे से देखी ता तिने बोलिया
कम से कम ये ता मेरे साईं। ऐसा जो जनाने बोलिया जाना क्योंकि ये मर्दा मंजा ले बनाई गेरी। इस वजह ले मर्द अपने माऊ बाबा जो छाड़ी दया होर अपनी लाड़ी सौगी एक बनी जान। परमेश्वरे मर्द होर जनाने अपने रूपा मंज बनाए तिने तिना जो आशीर्वाद दित्या होर तिना कने बोलिया बहुत सारे बच्चे होर पोत्रू पड़पोत्रू पैदा करा होर धरती जो भरी दया होर। परमेश्वरे देखा कि जो कुछ भी तिने बनाया था से बहुत खरा था और से तिना सभी कने बहुत खुश था। ये सब कुछ संसार री रचना करने रे छठवें दिहाड़े होया था। जेबे सातवां दिहाड़ा आया था जो कुछ परमेश्वर करया करा था तिने से सारा काम खत्म कित्या। तिने सातवें दिहाड़े जो आशीर्वाद दित्या और तिस दिहाड़े जो पवित्र बोलिया क्योंकि तिस दिहाड़े तिने सब चीजा बनानी खत्म कीती थी। इस तरीके ले परमेश्वरे संसार होर संसारारी सारी चीजा बनाई। उत्पत्ति अध्याय एक और दो ले लई गेरी बाइबलारी एक कहानी।